आउच, अरे यार, मुझे तो लग रहा है मैं कहीं फूल तो नहीं गया हूँ। कहीं मेरे पास अफारा तो नहीं आ गया है? ओजी, आप ठीक तो हो? चारा ठीक से पचा नहीं क्या? अय्यो, अफारा गैया बाबी, ये अफारा क्या होता है? यार, अफारा तब होता है जब हमारे पेट में गैस बन जाती है, और जब गैस ज्यादा हो जाती है तो पेट में दर्द और डिस्कम्फर्ट होता है। अरे भाइयों, आजकल तो हम जानवर को भी गैस का शिकार हो रहे हैं। हमें कब से इंसानों वाली बीमारी होने लगी? हमें इस अफारा को समझना जरूरी है। बिना सोचा समझे आहार लेना अच्छी बात नहीं होती। सही कह रहे हो चारक भाई, लेकिन आजकल तो हमें भी जंक फूड मिलता है, वो भी कभी कभी। हाँ, और फिर आफारा हो जाता है, तब बड़े भाई से टिप्स लेके ठीक हो जाता है। अय्यो चारक भाई, आप हमें आफारा से बचने के तरीके बताओ जी। बिल्कुल कैयर, पहले तो हमें अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। खाने में जैसे सब्जी, हरी पत्तियाँ और चने की घास खानी चाहिए, और साथ ही हमेशा पानी पीते रहना चाहिए। स्वच्छ पानी से हमारे पेट की गैस भी निकल जाती है। सही कहा गोपिता जी, और हमें अपना डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, बस फिर कोई अफारा नहीं होगा। देखा दोस्तों, हमने मेरी इस अफारा की समस्या का सोल्यूशन भी ढूंढ लिया। आहार सही तो पेट खुश। ई फीड मतलब बेहतर पोषण, दमदार जीवन।